रोहित, करीब 1500 अमेरिकन अभी भी मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं, भारत के जो सिख भाई हैं उनको रोक दिया गया है, और कई अमेरिकन ने ये कहा है, एंड आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जिसके ऑडियोज लीक हो रहे हैं, कि हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे मदद करने वाले अफगानियों को भी लेकर आएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कर रहे हैं यहां पर, तो उनको रोका जा रहा है। देखिए निशांत, व्हाइट हाउस बार बार और स्टेट डिपार्टमेंट बार बार ये कह रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन हैं उनके साथ सारे चैनल्स ओपन हैं, उनको पूरी कोशिश। रोहित, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। रोहित, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर निशांत, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। हेलो, कैन यू हियर मी निशांत? हेलो रोहित, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई कैन हियर यू निशांत, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आई एम नॉट श्योर समथिंग रॉन्ग। रोहित जी, रोहित प्लीज गो अहेड। ओके, मैं कह रहा था निशांत की स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस लगातार बार बार ये कह रहा है कि जितने भी अमेरिकन वहां पे हैं उनसे पूरी कोशिश की जा रही है हर चैनल के तरफ कम्युनिकेट करने की, कि उन्हें किसी भी तरह एयरपोर्ट पे लाया जाए ताकि वो वहां से इवैक्यूएट हो जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरी चीज, बार बार जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जितने भी अफगानिस्तान के जहां पे जो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की मदद की है उनको वहां से निकाला जाए। एंड थर्ड थिंग जिससे बहुत प्रेशर में है जो बाइडेन, इज टू हेल्प द एलाइज। तो अगर जो बाइडेन को अपनी साख बचानी है तो उनको, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एलाइज है, क्योंकि एयरपोर्ट पूरा का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में, तो उनकी मदद की जाए, जितने भी एलाइज है उनकी मदद की जाए। तो इट्स रियली शॉकिंग कि हमारे जो सिख भाई हैं उनकी मदद नहीं हो पा रही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि व्हाइट हाउस लगातार संपर्क में होगा हमारी सरकार के साथ उनको इवैक्यूएट करने के लिए। आप जो बता रहे, जनरल गुरमीत मेरे साथ है, सर योर टेक ऑन इट, हमारे सिख भाई नहीं आ पाए क्योंकि तालिबानियों ने उन्हें रोक लिया, अब अपने ही लोगों को बचाने के लिए क्या वहां पर हमें सीक्रेट ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे? सर देखिए जी, ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है, और उनकी जो दूसरी वाली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये साफ लफ्जों में उन्होंने कहा था कि जो विदेशी हैं उनको एयरपोर्ट जाने की इजाजत है, और ये भी कहा था कि जो उनके अफगानिस्तान वाले हैं उनको अभी वो नहीं आने देंगे, इस प्रकार से कहा था। लेकिन जो डेडलाइन डेट 31 अगस्त की है वो भी पहले थी, लेकिन तालिबान के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत का एक मैं प्राथमिकता ये भी है कि जो हमारे भारतीय हैं, जो हिंदू सिख समाज के हैं और जो हमारी मदद चाहते हैं, उनका हमको हर लेवल तक जाकर उनकी उनकी मदद करनी चाहिए। और ये तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू बन जाता है कि जब उनके साथ में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात है, तो मैं कहूंगा कि भारत का अपना सबसे जो लिंक है, जो वहां पर कॉन्टेक्ट है, उनको पक्का एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ये स्थिति ऐसी नहीं बनी चाहिए जिसपे इस प्रकार की सेंसिटिव इश्यूज आए। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंता का विषय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।